हमारे प्रिय कस्टमर, हमें खुशी हो रही है आपको ये बताने में कि आपके शहर में हमारी स्पीड अप कैब टैक्सी सर्विस शुरू हो गई है। हम फिर से एक बार हफ्ते के सातों दिन 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध होंगे। आपकी सुख सुविधा और सुरक्षा हमारी मुख्य प्राथमिकता है। हमारा न्यू एंड इम्प्रूव्ड ऐप डाउनलोड जरूर करें। आशा करते हैं आप हमें जल्द सेवा का मौका देंगे। आपकी स्पीड अप कैब टीम। एक सहेली की बर्थडे पार्टी से टैक्सी में लौट रही तन्वी साहू को इस बात की भनक तक नहीं थी कि टैक्सी ड्राइवर के इरादे क्या थे। तन्वी का घर पिकअप पॉइंट से 45 मिनट की दूरी पर था, लेकिन उस रात तन्वी घर देर से पहुंची पर दुरुस्त नहीं। The number you have called is currently switched off. Switched off, sir. Sir, ड्राइवर का नाम नागेश चौहान है। जब मैंने तन्वी के लिए कैब बुक किया था तो मेरे सेल पे उसका नाम और नंबर आ गया था। ये देखिए सर। अदिति यार, देखना किसका मैसेज है। स्पीड अप कैब वालों का ही मैसेज आया है। ड्राइवर का नाम नागेश चौहान, मोबाइल नंबर कैब नंबर XYH2346, तिमुरगंज कौशल सिनेमा से है पिकअप 11:30 बजे। 11:30 बजे तक तो हम लोग आराम से तिमुरगंज पहुंच जाएंगे। तन्वी, हाँ, तुम्हें टैक्सी में बिठा के हम लोग आगे निकल जाएंगे, ठीक है ना? या ऑफ कोर्स, या इट्स परफेक्ट। थैंक्स सो मच। सर, जब मैं टैक्सी से उतरी थी मेरे घर के पास, तब मैंने टैक्सी का फोटो लिया था मेरे फोन से। क्या शर्माना मैडम, अरे फेस तो इधर करो। हमारे बीच जो हुआ वो हमारे बीच है, कोई तीसरा जानेगा ना तो मुझे बुरा लगेगा, और मुझे बुरा लगेगा तो फिर तुम्हारे साथ बुरा होगा। समझी? कौशिक, इस कंपनी के ऑफिस का एड्रेस पता करो। सर। कंपनी की वेबसाइट है और बस, सिर्फ एक वेबसाइट है, कोई ऑफिस एड्रेस नहीं दिया। कोई नहीं,
फोन करके पता लगा। फोन नंबर नहीं है सर, बस एक ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म है। निखिल, टैक्सी बुक करने के लिए आपने किस नंबर पर कॉल किया था? सर किसी भी नंबर पे नहीं, एक्चुअली स्पीड अप कैब का अपना एक एप्लीकेशन है, बस उसे आपको अपने मोबाइल पे डाउनलोड करना होता है। एप्लीकेशन से टैक्सी बुक होती है? जी सर। सर ये देखिए, ये इनका एप्लीकेशन है। सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करना होता है। एक बार आपने लॉगिन कर दिया तो आप अवेलेबिलिटी स्टेटस देख सकते हैं, उसके बाद बुकिंग करके बुकिंग स्टेटस। टैक्सी की पेमेंट आपने की थी? नो सर, एक्चुअली इस एप्लीकेशन में मेरी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ऑलरेडी लोडेड है, तो जैसे ही टैक्सी पैसेंजर को ड्रॉप करती है मुझे मैसेज आ जाता है कि वो अमाउंट मेरे क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट हो गई है। क्रिमिनल टैक्सी ड्राइवर का फोन स्विच्ड ऑफ था। टैक्सी कंपनी का ना तो कोई फोन नंबर था और ना ही ऑफिस का पता, बस एक ऐप यानी एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसके द्वारा टैक्सी बुक हुई थी। अब पुलिस कैसे पूछताछ करती, इस क्रिमिनल को कैसे ट्रैक डाउन करती? फिर एक बार रात के अंधेरे में एक महानगर में एक शहरी महिला के साथ एक महाजुर्म हुआ था। उस रात 27 वर्षीय तन्वी साहू अपनी एक सहेली की बर्थडे पार्टी से लौट रही थी। जूही, जूही सरपाल। तन्वी, आदित्य और निखिल पहुंच चुके हैं और हम लोग भी बस 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। तुम कहाँ पे हो? सॉरी यार, बस निकल रही हूँ, थोड़ा लेट हो गया। आई होप मेहर स्पीकिंग यू आप। अरे मेहर का ऑडिट चल रहा है, उसका कोई भरोसा नहीं है, पर फिर मैं उसे पूछकर देखती हूँ। अच्छा ठीक है, उसको कॉल करो एंड कॉल मी बैक। हां, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। सो सॉरी स्वीट्स, नहीं हो पाएगा आज, लगता है फुल नाइट है मेरी। ओके ओके, अच्छा सुनो, ज्यादा कॉफी मत पीना और खाना खा लेना। ओके, तुम्हें मिस करूंगी। आई रियली विश मैं आ पाता। अच्छा सुनो, संभाल के जाना, और निखिल ड्रॉप करेगा ना तुम्हें? हाँ बाबा। अच्छा जाओ, तुम अभी काम करो। लव यू। लव यू टू, बाय। बेटा मिहिर तुम्हारे साथ नहीं जा रहा है तो तुम अकेले जाओगी? अरे मॉम, मैं ऑलरेडी निकल गई हूँ, बस थोड़ी ही देर में प्लस शाइन मॉल पहुँच जाऊंगी। बेटा ज्यादा देर मत करना। हाँ हाँ मॉम, डोंट वरी, ज्यादा लेट नहीं होगी, वैसे भी कल काम है ना, 12:30 बजे तक घर वापस आ जाऊंगी मैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ओके मिहिर, तुम्हारे साथ आ जाता तो अच्छा रहता ना। हाँ मॉम, क्या करें, अब उसे काम भी तो है ना। उससे कहो मुझे चिंता हो रही है। देखो बेटा, पापा भी कह रहे हैं उन्हें तुम्हारी चिंता हो रही है। अरे मॉम, पापा को बोलिए स्ट्रेस बिल्कुल ना लेने के लिए, वैसे भी मैं कोई डेंजरस एरिया नहीं जा रही हूँ, जूही के बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, हैप्पी बैश रेस्टोरेंट में, और निखिल और अदिति भी मुझे घर छोड़ देंगे, ठीक है? आप पापा को बोलिए खाना खाए और सो जाए। ओके मॉम, सी यू, बाय। सब कल रात 10:30 बजे तक हम सब पार्टी में ही थे। जब हम तिमूरगंज पहुंचे हमने तन्वी को वहां टैक्सी में बिठाया और फिर हम दोनों भी वहां से निकल गए। बाय निखिल, बाय अदिति, बाय, टेक केयर, बाय तन्वी। सर जैसे ही तन्वी टैक्सी में बैठी मेरी उससे बात हुई, सब कुछ ठीक ही लग रहा था, लेकिन उसके बाद निखिल और अदिति ने मुझे तिमूरगंज तक ड्रॉप कर दिया है, मैं 12:30 तक घर पहुंच जाऊंगी। हाँ ठीक है, लेकिन घर पहुंचते ही फोन करना, मैं यहीं रहूंगा। अरे बस भी करो अब काम, प्लीज घर जाओ, सो जाओ। जाऊंगा ना यार, मुझे कौन सा इश्क है इस ऑफिस से। अच्छा तो फिर किससे इश्क है? वेल, है एक लड़की, कल शाम को मिलो, बताता हूँ, अभी काम खत्म करूँ। ओके ओके, चलो बाय। लव यू। डिटो। सर हम लगातार फोन किए जा रहे थे, पहले कुछ देर रिंग जा रही थी पर कोई रेस्पॉन्स नहीं था, उसके बाद तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। द नंबर यू हैव कॉल्ड इज करंटली स्विच्ड ऑफ।
सुनिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तन्वी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तन्वी जी, टैक्सी में बैठने के बाद एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था आपके साथ? दिन भर हाई प्रेशर जॉब, फिर बर्थडे पार्टी। तन्वी साहू थकी हुई थी। टैक्सी में बैठने के बाद उसकी आंख लग गई। उसे कोई खबर नहीं थी कि उस टैक्सी ड्राइवर की आंखें तब से उस पर थीं, जब से उसने टैक्सी में कदम रखा था। नींद में खोई तन्वी को पता ही नहीं चला कि कब टैक्सी ड्राइवर नागेश चौहान की बदलती नीयत ने टैक्सी के रास्ते का रुख भी बदल दिया था। मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गई, पर फिर मुझे कुछ अजीब सा लगा और मैं उठ गई। और उस आदमी का चेहरा, उसका चेहरा जी, आपके मोबाइल से अपने फोन पे मिस्ड कॉल कर दिया है। अब आपका चेहरा हमारे दिल में और आपका नंबर हमारे फोन में स्टोर हो चुका है। कहीं गलती से मुंह खोला ना तो घर पहुंच जाएंगे सीधा, दुनिया से डिलीट कर देंगे आप। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मुझे घर जाना है। लास्ट में ही से बात की थी तो मेरे कॉल लिस्ट पर लास्ट कॉल नंबर मिला है। मेर जल्दी घर आ जाओ, कुछ हुआ है। ऐसा भी क्या हुआ मैडम जी, आपको तो बड़े मजे आए। आपने किसी मीर को नहीं मुझे फोन मिलाया है। था ना नंबर स्टोर हो चुका है। रुक, क्या शर्माना मैडम, अरे फेस तो इधर करो। हमारे बीच जो हुआ वो हमारे बीच है, कोई तीसरा जानेगा ना तो मुझे बुरा लगेगा, और मुझे बुरा लगेगा तो फिर तुम्हारे साथ बुरा होगा जी। को टैक्सी में बिठाने के बाद मैं और मेरी फियांसी अदिति लॉन्ग ड्राइव पे गए थे। यार ये स्पीड अप कैब से मैसेज आया है, अमाउंट डिडक्ट हुआ है। इतना लेट? यार तन्वी को तो एक घंटा पहले घर पहुंचाना चाहिए था। हेलो,
तन्वी कहाँ हो तुम? हेलो निखिल। हम सब तन्वी के साथ सहमत थे कि ये मामला जल्द से जल्द पुलिस में रिपोर्ट होना ही चाहिए। सर, मैंने टैक्सी का नंबर आरटीओ को दिया है, एक घंटे में गाड़ी की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मिल जाएगी। लेकिन एक बात मुझे बड़ी अजीब लग रही है, एक टैक्सी सर्विस अपनी वेबसाइट पर अपना एड्रेस क्यों नहीं दे रही? निखिल, तुम एक काम करो, एक टैक्सी बुक करो स्पीडअप कैब से, उनसे कहो कि मुद्रा नगर बाईपास से पिकअप है। अभी अभी टैक्सी आएगी तो जाहिर सी बात है उसके साथ उसका ड्राइवर भी आएगा, और ये ड्राइवर हमें कंपनी के मालिकों तक ले जाएगा जिन्हें अपना एड्रेस देने में शर्म आ रही है। तन्वी जी, आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाना होगा। जी सर, मैं तैयार हूँ, मैं उस हर चीज के लिए तैयार हूँ जो उस आदमी को हमेशा के लिए बंद कर दे। ऐसे लोगों को खुला घूमने का कोई हक नहीं है। सर, बुकिंग हो गई है, 15 मिनट में स्पीड अप कैब यहाँ होगी। बस एक बार ये टैक्सी आ जाए, इसका मीटर हम गिराएंगे। तन्वी जी, आप एक बहादुर लड़की हैं, समझदार भी। आधी लड़ाई तो आप जीत चुके हैं जो हमारे पास है, बाकी की आधी लड़ाई हम आपके लिए जीतें। अब शुरू हो गई खोज टैक्सी ड्राइवर नागेश चौहान की। ये खोज इंटरनेट के सर्च इंजन्स पर की जाने वाली खोज से अलग थी। पुलिस के पास सिर्फ एक ही सुराग था, वो भी एक ऑनलाइन वेब एड्रेस स्पीड अप कैब कंपनी का, जहां से उनका मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड होता है। लेकिन असली दुनिया में किसी क्रिमिनल को सर्च करना, उसे डाउनलोड करके कानून के फोल्डर में ले आना, उतना यूजर फ्रेंडली नहीं होता। चल भारत, क्या बात है साहब? नागेश चौहान कहाँ है? नागेश चौहान साहब, मैं किसी नागेश चौहान को नहीं जानता हूँ, शायद आपको गलत फहमी हुई। मैं तो एक मामूली टैक्सी ड्राइवर हूँ साहब। वो भी टैक्सी ड्राइवर है लेकिन इस वक्त हमारे लिए गैर मामूली है। तुम स्पीड अप कैब के लिए काम करते हो ना? जी साहब, उन्हीं ने मुझे यहाँ भेजा है। उन्होंने मतलब किन्होंने? एड्रेस क्या है, मैनेजर का नाम क्या है? मुझे नहीं पता साहब। देखिए, सेक्सुअल असॉल्ट तो हुआ है, यार हरियर, इन साहब लोगों को स्पीड अप कैब के ऑफिस का पता चाहिए। स्पीड अप कैब का ऑफिस? और नागेश चौहान का भी। नागेश चौहान? वो भी तुम दोनों की तरह स्पीड अप कैब का ड्राइवर है। साहब, मैं किसी नागेश चौहान को नहीं जानता हूँ, और ना ही स्पीड अप कैब का कोई ऑफिस है। हाँ, कुछ लोग हैं जो उनका काम देखते हैं, एक तरीके से ऑफिस ही समझ लीजिए। ये स्पीड अप कैब का ऑफिस यहाँ है? हाँ सर, यहीं पे है, ये पहला फ्लैट, एक बार आया था मैं यहाँ। सर, ये फ्लैट है। जी सर, ये स्पीड अप कैब का ऑफिस है? ऑफिस तो नहीं है पर हाँ, सब ऑपरेट यहीं से होता है। एनी प्रॉब्लम सर? सर, दरअसल स्पीड अप कैब फॉरेन बेस्ड कंपनी है और इनका मेन हेड ऑफिस वहीं पर है, ये तो सिर्फ उनका बैकएंड ऑफिस है। टैक्सी की बुकिंग्स यहीं से होती हैं? नहीं सर, यहाँ पे तो सिर्फ डाटा कलेक्शन होता है। कोई भी ड्राइवर अगर स्पीड अप कैब के साथ अपने आप को रजिस्टर करना चाहता है तो उसके सारी डिटेल्स यहाँ पे जमा होते हैं। तो फिर बुकिंग्स कैसे होती हैं? एप्लीकेशन सर, डायरेक्ट एप्लीकेशन से।
जब कस्टमर और ड्राइवर दोनों के ही पास ही एप्लीकेशंस डाउनलोडेड होती हैं उनके मोबाइल फोन्स पर, और जिसे भी टैक्सी बुक करनी हो वो अपने एप्लीकेशन पर एक मैसेज फॉरवर्ड करता है, वो सेम मैसेज सभी रजिस्टर्ड ड्राइवर्स के पास जाता है, और सर जो भी ड्राइवर पिकअप पॉइंट के सबसे नजदीक होता है उसे वो कस्टमर मिलता है सर। सारा ट्रांजेक्शन सिर्फ एप्लीकेशन से होता है, और पेमेंट भी डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड से, पैसेंजर के अकाउंट से डेबिट और कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट, और फिर कंपनी का प्रॉफिट अलग करने के बाद बाकी का पैसा ड्राइवर के अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है सर। और सर हमें तनख्वाह मिलती है हर महीने सभी ड्राइवर्स का डेटा कलेक्ट करने और उसे मेंटेन करने के लिए, बस। नागेश चौहान का करेक्टर सर्टिफिकेट? सर हमारे पास सारे ड्राइवर्स के बेसिक डिटेल्स फाइल्ड होते हैं। फाइल करना एक बात है, पर वो सही है या नहीं इसकी वेरिफिकेशन कौन करता है? अब ये जो नागेश चौहान का करेक्टर सर्टिफिकेट है ये असली है या नकली, इसका तुम लोग कैसे पता लगाते हो? सर हमारा काम एक्चुअली सिर्फ फाइल करना है, फिर हम इन्हें स्कैन करके स्पीडअप कैब के हेड ऑफिस भेजते हैं। मतलब कोई भी एरा गैरा, जाली करेक्टर सर्टिफिकेट, जाली ड्राइविंग लाइसेंस, जाली एड्रेस जमा करके, सब कुछ जाली देकर तुम्हारी इस कंपनी का ड्राइवर बन सकता है? सर कंपनी हमारी कहाँ है सर, हम तो सिर्फ पेपर वर्क देखते हैं सर इसका। नागेश चौहान जैसे आदमी को काम पर रखते हो और यहाँ से हजारों मील दूर बैठे तुम्हारे आकाओं को यह भी नहीं मालूम कि उनके मुलाजिम यहाँ पर क्या गुल खिला रहे हैं, और शायद उनको पड़ी भी नहीं है। उनके ड्राइवर्स रेप करें या मर्डर, उन्हें तो बस अपने कमीशन से मतलब। लेकिन एक बात वो लोग भूल रहे हैं, लोगों की जिंदगी, उनके जज्बात किसी भी एप्लीकेशन से नहीं बदले जा सकते। कभी बस में, कभी ट्रेन में और अब टैक्सी में औरतों के साथ हो रहे रेप के वारदात कम होने का नाम नहीं लेते। हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के दौरान औरतों की सुरक्षा को एक हॉट मुद्दा बनाती तो है, मगर गांव और शहर दोनों में बच्चियां, महिलाएं और लड़कियां, हिंदुस्तान की आधी आबादी असुरक्षित है। रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं जो ना उम्र देखते हैं ना सामाजिक वर्ग। पर हमारा सवाल ये है कि देश का प्रशासन ये सब आंखें मूंद कर क्यों देख रहा है? कल रात जिस महिला की स्पीडअप कैब में बलात्कार की खबर है, पुलिस अभी तक आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है और ना ही उनके ऑफिस से कोई कांटेक्ट कर पाई है, क्योंकि इंडिया में उनका कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिस है ही नहीं। वैसे दर्शकों की जानकारी के लिए हम ये बता दें कि स्पीडअप कैब्स एक एप्लीकेशन बेस्ड टैक्सी सर्विस है जिसे इस दुनिया में कई देशों में ऑपरेट करने की परमिशन नहीं है या परमिशन कैंसिल कर दी गई है। तुम दोनों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। बट सर हम कोई बटवट नहीं, और सिर्फ तुम दोनों को ही नहीं, अपने बॉसेस को संदेश भेजो कि स्पीडअप कैब का कोई भी जिम्मेदार ऑफिसर अपने आप को हमारे सामने पेश करे, वरना इंटरपोल को एक्टिवेट करने में हमें जरा भी देर नहीं लगेगी। समझ रहे हो ना तुम दोनों? खान ले चलो इन्हें। हाँ सिंह बोल। RTO से डिटेल्स आ गई हैं सर, वो गाड़ी नागेश चौहान की खुद की है और कार रजिस्ट्रेशन पर नौराजगंज का एड्रेस लिखा है सर। एक काम करो सर, फटाफट वो एड्रेस मुझे मैसेज करो। ठीक है सर। सर RTO से नागेश चौहान का एड्रेस मिल गया। वो जी साहब, नागेश चौहान कहाँ है? नागेश चौहान तो यहाँ नहीं रहता साहब। यहाँ नहीं रहता मतलब? RTO में तो उसने यही एड्रेस लिखवाया है। वो गाड़ी उसने 2 साल पहले ली थी साहब, तब यही रहता था अपनी घरवाली के साथ। पता नहीं कहाँ रहता है, अब आगे का एड्रेस भी नहीं देकर गया। ये नागेश एक नंबर का बदमाश और हरामी आदमी है। मतलब? ऐसा कोई गलत काम नहीं होगा जो उसने ना किया हो। वैसे आप लोग इस बार उसे क्यों ढूंढ रहे हैं साहब? उसने एक लड़की का रेप किया। वो तो उसने तब भी किया था, कोई नई बात नहीं है साहब। कुत्ते की दुम है वो, कभी सीधी नहीं होगी। हर कुत्ते का एक बुरा दिन भी आता है, और उसका वो दिन बहुत करीब। वैसे अब कहाँ मिलेगा? पक्का पता नहीं है साहब, पर इतना सुना है कि रैलानूर का रहने वाला है।
रेप केस में आरोपी की शिनाख्त हो चुकी है। 32 वर्षीय नागेश चौहान एक हिस्ट्री शीटर है जो पहले भी मोलेस्टेशन और रेप केसेस में इन्वॉल्व रह चुका है। हमारे सूत्रों से पता चला है कि नागेश चौहान के पास एक पुलिस द्वारा इशू किया गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जो उसकी स्पीड अप कैब की फाइल में पाया गया, और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट में उसके पिछले क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का कोई जिक्र नहीं है। वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट नकली है। हमारे रिकॉर्ड्स में कोई ऐसा कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया। हम अलग से उसकी जांच कर रहे हैं, पर इस वक्त हमारी प्रायोरिटी है नागेश चौहान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करना, इसके पहले कि वह शहर से भाग जाए। बहुत अंधेरा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि गाड़ी कहाँ पार्क की थी उसने, लेकिन ऐसी ही कोई जगह थी। सर, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैं गाड़ी में सो गई थी, इसलिए मुझे याद ही नहीं है कि उसने कहाँ से गाड़ी घुमा ली थी। आई एम रियली सॉरी सर। आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? सॉरी तो वो होगा जिसने गाड़ी नहीं अपनी तकदीर घुमा ली। आप टेंशन मत लीजिए, अब हमारा असली काम शुरू होता है। हेलो, रेलाइन उड़ता सूर्यास खबरी बोल रहे हैं साहब। नागेश चौहान का कुछ पता चला? साहब उसके बारे में तो नहीं, उसकी गाड़ी के बारे में पता चला है। यहाँ परवा नगर बाईपास पे उसकी गाड़ी खड़ी है साहब, कल से खड़ी है। अब सवाल यह था कि क्या नागेश रेलानूर में जाकर छिप गया था, या फिर वो अब भी शहर में ही कहीं था जहाँ पुलिस उसे तुरंत पकड़ सकती थी। इस केस को काफी मीडिया अटेंशन मिली। फिर एक बार इस केस के कंधों पर वही पैनलिस्ट और पॉलिटिशियंस ने अपनी बंदूक रखकर वही महिला सुरक्षा वाले खाली कारतूस चलाए जो आवाज से ज्यादा और कुछ नहीं करते। लेकिन इस केस ने उन तमाम सर्विसेज पर सवालिया निशान लगा दिया जो साइबर बेस्ड हैं और जिनका कोई भी जिम्मेदार ग्राउंड ऑपरेशन नहीं है। एक तरफ इस केस में इन्वॉल्व कैब सर्विस ऑपरेटर देश के कई शहरों में अपना ऑपरेशन चला रहे थे, पर अब ये पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और मीडिया तीनों की स्क्रूटनी में आ गए। दूसरी तरफ बाकी सभी कैब ऑपरेटर्स के ऑपरेशन भी सरकार और प्रशासन के माइक्रोस्कोप के नीचे आ गए। अब अहम सवाल यह था कि क्या पुलिस नागेश चौहान तक जल्द से जल्द पहुंच पाएगी। पुलिस को हिंट मिली थी कि नागेश चौहान ने पहले भी ऐसे जुर्म किए थे। क्या हुआ था उन विक्टिम्स के साथ? कल रात 11 बजे हम आपको दिखाएंगे इस केस का दूसरा और आखिरी भाग। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहे। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।